वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर मेरा आकाशवाणी गलत हुआ तो मैं पूरे 50 लाख का जुर्माना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बस मेरा इतना सा शर्त है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। कल से लंगड़ा भी एक पैर पर नाचने लगेगी। कुछ ऐसी बड़ी खुशखबरी आप सभी के जीवन में आने वाली है दोस्तों। अब समय आ गया है जिसे आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अब दुश्मन यही कहेंगे जिसका डर था आखिर वही हो गया। कल से फकीर से अमीर बनने का समय, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय का लाभ उठाना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह मौका आपके हाथ से चला गया तो जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। पर जो इस वीडियो को आज अंत तक देखिएगा वह मालामाल हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपका जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आपको बता दें, यह ज्योतिष कार्यक्रम आपका जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला है। अब आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी और आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आपको बता दें, आज इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाली है, सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, इसलिए इस बात को हल्के में मत लेना। आज एक बहुत गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, आपकी गरीबी और कंगाली का सबसे बड़ा कारण यह एक चीज है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके घर में पड़ा है यह एक चीज जिस वजह से आप अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। आपको बता दें, आपके घर में पड़ी हुई यह एक चीज आपको लगातार बर्बाद कर रहा है। आपको बता दें, जिस दिन आप यह एक चीज आप अपने घर से निकालकर फेंक देंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा, उसी दिन से आपका गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है। आपको बता दें, इस चीज का प्रभाव आपके जीवन में इतना ज्यादा है कि आपकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रही है। इसका प्रमाण यह है कि आप हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं और कभी कभी आप अपने जिस कार्यों के बारे में सोचते हैं कि यह काम हमको करना है, उस काम को छोड़कर दूसरा काम करने लग जाते हैं। जो काम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस काम को छोड़कर आप दूसरा काम करने लग जाते हैं। जो काम आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है, उस काम में आप अपना समय बर्बाद करने लग जाते हैं। जो आपका महत्वपूर्ण काम होता है, जो आपका असली काम होता है, जिस काम को आपको करने से फायदा हो सकता है, उस काम को करना ही भूल जाते हैं। और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होने लगता है कि अचानक आपको बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस होता है। अचानक आपके मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आने लगता है, आपके मन में बेचैनी सी होने लगती है, आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगता है और भी तमाम प्रकार की हरकतें आप करने लग जाते हैं। और इन सभी परेशानियों का जड़ आपकी घर में रखी यह एक चीज है जिस वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसे जानकर आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप लोगों से विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हूं। ऐसा गुप्त जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, इसीलिए पूरा ज्योतिष कार्यक्रम आखिरी तक देखना और सबसे जरूरी बात, दिमाग शांत करके पूरा ज्योतिष कार्यक्रम अकेले में देखना। आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपको परेशानी हो रही है, इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह एक चीज है और यह चीज आपके घर में पड़ा है। तो आखिर यह चीज आपके घर में कहां से आई है, कैसे आपके घर में यह चीज आई, यह सोचने की विषय है। तो आपको बता दें, इसका दो मुख्य कारण है। सबसे पहले कारण,
आपका घर, परिवार का कोई सदस्य इस नाम के व्यक्ति से कुछ चीज मांगकर अपने घर में लाया होगा। उस समय इस नाम के व्यक्ति ने यह एक चीज उसी सामान के साथ मिलाकर दे दिया होगा, जिससे यह चीज आपके घर में आ गई होगी और इस बारे में आपको जरा भी भनक तक नहीं लगा होगा, क्योंकि इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु है और आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि कोई साधु बाबा आपके घर आए, भिक्षा के लिए पधारे होंगे और आप उन्हें बिना भिक्षा दिए वापस लौटा दिए होंगे, जिसके वजह से साधु बाबा आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए होंगे, बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो गए होंगे और जादू टोना करके आपके घर में यह एक चीज फेंक दिया होगा, जिस वजह से आपके जीवन में यह तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको यह दो काम करना होगा। अगर आप अपना जीवन से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो आपको यह दो काम हर हाल में करना होगा, तभी जो है आपकी जीवन की गरीबी समाप्त होगा। सबसे पहले काम आपको अपने घर आंगन में गंगा जल का छिड़काव करना है और ध्यान रहे, गंगा जल का छिड़काव करते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना है और उसके बाद शाम के समय में हनुमान जी के मंदिर में जाकर गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपका जीवन का सारा दुख दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा। अगले 24 घंटे तक यह एक चीज किसी को मत देना, चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ा आए, परंतु यह एक चीज किसी को मत देना, वरना आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दो वक्त की खाना भी नसीब नहीं होगा, ऐसा भयंकर कंगाली आपके घर में आ जाएगा। आपको बता दें, आपका पूरा घर परिवार भूख से तड़पने लगेंगे, ऐसा दिन आपको देखना पड़ सकता है। इसलिए अगले 24 घंटे तक हो जाइए सावधान और यह एक चीज किसी को मत देना, वरना आपकी घर की लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएगी, आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है तो उनका जीवन में तरह तरह की परेशानी आने लगता है, चारों तरफ से दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, पूरा घर परिवार का लोग कंगाल हो जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कोई भी ऐसा परेशानी ना आए, तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अतक देखना और यह एक चीज किसी को मत देना। आपको बता दें, आप बहुत दयालु इंसान हैं, इसीलिए आपको मैं सतर्क कर रहा हूं। आपके दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाते हैं तो आप उसे खाली हाथ कभी नहीं जाने देते हैं। आप अपने हिसाब से उस व्यक्ति का मदद जरूर करते हैं, लेकिन भलाई करने का नतीजा आपके ऊपर भारी पड़ने वाला है। अगर यह एक चीज किसी व्यक्ति को दान में दे देते हैं, आपको बता दें, दान धर्म करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होता है, हमें भगवान से सीधा आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन आपका कुंडली में कुछ ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसके वजह से अगर आप इस समय अवधि में यह एक छोटा सा चीज किसी व्यक्ति को दान में देते हैं तो भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे, भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस समय आपको यह एक चीज किसी को देकर भलाई नहीं करना है, नहीं तो आप भलाई करने के चक्कर में अपना ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपको बता दें, भलाई करने के चक्कर में आपसे बहुत बड़ा पाप हो सकता है, क्योंकि आपका कुंडली में एक ऐसा महासंयोग का निर्माण हुआ है जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा उलट फिर होने वाला है, आपका जीवन में बहुत बड़ा भयंकर बदलाव होने वाला है तथा आपकी जीवन की 7.5 खत्म होने वाला है। लेकिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी जो इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। साथ ही किसी भी बाहरी व्यक्ति को अगले 24 घंटे तक यह एक छोटा सा चीज मत देना। आपको बता दें, आपके पास चाहे कितना भी हाथ पैर जोड़े, परंतु आपको अपने घर की यह एक छोटी सी चीज किसी को मत देना। तो आखिर वह कौन सी चीज है जिसे आपको किसी को नहीं देना है? आखिर वह कौन सा चीज है जिसे आप अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर दान कर देते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है? आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले
ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक कर दें, क्योंकि इस ज्योतिष कार्यक्रम को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आज की ज्योतिष कार्यक्रम बहुत लाभदायक है। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। यह ज्योतिष कार्यक्रम आपकी जिंदगी बर्बाद होने से रोक देगा, क्योंकि अगर यह ज्योतिष कार्यक्रम नहीं बनता तो आप जाने अनजाने में यह गलती कर बैठते और यह एक चीज किसी भी व्यक्ति को दान में दे देते। उसके बाद आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती, धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती, धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती। और यह बात तो आपको पता ही होगा, जब किसी व्यक्ति से धन की देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। उसके पास धन दौलत से जुड़ी समस्या देखने को मिलने लगता है। वह व्यक्ति कितना भी कमाता है लेकिन फिर भी उसके पास पैसों का कमी हमेशा लगा रहता है। एक तरफ से आप पैसा कमा कर लाते हैं, दूसरे तरफ से चला जाता है। आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं टिकता है और आप गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। लेकिन अब इन सब बातों से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि कि सही समय पर यह ज्योतिष कार्यक्रम आपको मिल चुका है। और इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको कुछ ऐसा विशेष जानकारी देने वाले हैं जिससे आप अपना जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपना जीवन को सूरज की तरह चमका सकते हैं। लेकिन अभी तक आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से 3 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। साथ ही आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। आपको बता दें, आपके ऊपर भगवान शनिदेव महाराज आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। भगवान शनिदेव महाराज अब आपका बंद किस्मत का ताला खोलेंगे। भगवान शनिदेव महाराज की शुरुआत से अब आपका सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर कोई भी व्यक्ति आपसे दूध मांगे तो किसी को मत देना, क्योंकि दूध का संबंध सीधा माता लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी आज आपके घर आने वाली है। माता लक्ष्मी आज आपके घर दस्तक देने वाली है और आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी देने वाली है। आपको बता दें, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब आपका जीवन पहले से 1000 गुना तेज चमकेगा। अब आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। आपको बता दें, इस समय अवधि में आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी आपके घर में दस्तक देने वाला है। जी हां, अब पैसों की बारिश होगी। आपको बता दें, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए परंतु यह एक गुप्त बात किसी को मत बताना, क्योंकि आपके साथ एक ऐसा घटना घटित होने वाला है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा तथा पैसों की बारिश होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके घर में पैसों की बारिश होने वाला है। मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात 100% सत्य है कि अब आपके घर में पैसों की बारिश होने वाला है। यह घटना आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। इस घटना को होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है सुनकर आस पड़ोस के लोगों में खलबली मच जाएगा। जी हां, इतना बड़ा और भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक जरूर बने रहना है। बिल्कुल भी इस ज्योतिष कार्यक्रम को नजरअंदाज मत करना और शुरू से लेकर अंत तक बन रहे इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अब आपको मिलेगी एक सापा। बड़ी खुशखबरी आपको बता दें, जिस चीज के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह चीज अब आपको एक झटके में मिलने वाला है। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज अब आपको मिलने वाला है। मेरा बात मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करना, वरना जीवन भर पछताते रहोगे। आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से जो भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक है, इसलिए मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, जो मेरा भविष्यवाणी गलत साबित कर देगा उसका मैं गुलामी करूंगा। इस आपको बता दें, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल अकेले में देखना, किसी के सामने इस ज्योतिष कार्यक्रम को मत देखना, क्योंकि एक राज्य की बात आपको बताने वाले हैं। यह राज्य की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। आपको बता दें, एक साथ
तीन देवी मां की चरण आपके घर आंगन में पड़ने वाला है, इसलिए अब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। आपको बता दें, आपके आसपास में जितने भी लोग हैं वे सभी लोग आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इन तीनों देवी से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। आप जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपको एक झटके मिल जाएगा। जिस चीज के लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे वह चीज आपको अब बहुत आसानी से मिल जाएगा। मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी झेले हैं, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ सहे हैं, लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा आखिरी तक देखना होगा। आपकी सभी समस्याओं की समाधान इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, आप पिछले 5 सालों बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आपके पास धन दौलत की बहुत कमी है, आपके पास रुपए पैसे से संबंधित बहुत परेशानी है, आपके पास लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं टिकता है। आप एक हाथ से पैसा कमा कर लाते हैं, दूसरा हाथ से चला जाता है। आप इधर से कमा कर लाते हैं, उधर चला जाता है। आखिर ऐसा आपके साथ क्यों होता है? किस वजह से आपके जीवन में इतनी सारी परेशानी देखने को मिल रहा है? क्या धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रूठ गई है, या फिर किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है, या फिर किसी ने आपका किस्मत बांध रखा है, या फिर किसी ने आपके घर के दरवाजे पर जादू टोना कर दिया है जो आपको कामयाबी नहीं मिल रहा है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बनाने वाले हैं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना। आपको बता दें, इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं, सुनकर आपका भी होश उड़ जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो, खुल गई किस्मत का द्वार, मिलेगी बड़ी खुशखबरी। अब आपको एक झटके में एक नहीं, दो नहीं, 5 बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। सरप्राइज सुनकर आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि सरप्राइज बहुत बड़ा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह सरप्राइज इतना बड़ा है कि सुनकर आप उछल पड़ोगे, आपका घर परिवार झूमने लगेंगे। जी हाँ, इतना तना बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकने वाला है, क्योंकि आपका कुंडली में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है, आपका कुंडली में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। आपको बता दें, आपका कुंडली में कुछ ऐसा योग का निर्माण हुआ है कि सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका कुंडली में धन प्राप्ति योग का निर्माण हो चुका है, इसलिए अब आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। अब आप जो भी चीज हासिल करना चाहेंगे वह चीज आप एक झटके में हासिल कर लेंगे, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी है, और धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपकी जीवन की सारी परेशानियां समाप्त होने वाला है। अब आपका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहेगा, आपकी जीवन की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएगा, इस बात की फुल गारंटी है। समय रहते हो जाइए सावधान, आज आपको एक ऐसा दुश्मन के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। आपको बता दें, दुश्मन की बहुत बड़ी काली सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दुश्मन की काली सच्चाई आज हम आपको बताने वाले हैं। इस नाम का दुश्मन आपका जिंदगी में आ चुका है, यह दुश्मन आपको जान से मारना चाहता है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यह दुश्मन बहुत खतरनाक है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इनसे दूरी बना लो। आखिर वह व्यक्ति कौन है, आखिर वह इंसान कौन है जो आपको जान से मारना चाहता है? आखिर क्यों यह व्यक्ति आपको जान से मारना चाहता है? क्या कारण है और इस व्यक्ति का नाम क्या है? सब कुछ आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। इस बात को लिखकर रख लो, जा
आपको बता दें, यह दो चीज अपने जेब में रखने से आपका दुश्मन का सर्वनाश हो जाएगा, आपका दुश्मन का खेल खत्म हो जाएगा और आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगा, आपको बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। जी हाँ, इन दो चीजों में इतना ताकत है कि आपसे कोई जीत नहीं पाएगा। अगर यह दो चीज आप अपनी जेब में रख लेते हैं तो सारी दुनिया आपके सामने घुटने टेक देंगे, सारी दुनिया आपके सामने हार मान जाएंगे। आपको बता दें, अगर यह दो चीज आप अपने जेब में रख लेते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन यह दो चीज आपको हमेशा अपने जेब में रखना होगा। तो आखिर यह दो चीज क्या है और यह दोनों चीजें आपको कहां मिलेगा, इसके बारे में आपके संपूर्ण जानकारी इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक दे देखना। और सबसे जरूरी बात, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसलिए घर का खिड़की दरवाजा बंद करके ज्योतिष कार्यक्रम अकेले में देखना। ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और एक एक जानकारी विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, अगर आप प्रभु श्री राम का सच्चे भक्त हैं तो आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री राम अवश्य लिखें। आपको बता दें, अब आपकी जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बस आपको अपने जेब में यह दो चीज हमेशा रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति यह दो चीज अपने जेब में रख लेगा उसका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, उसके पास हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे। आपको बता दें, यह दो चीज अगर आप अपने जेब में रख ले हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा और भयानक घटना होगा। यह घटना आपको राजा बना देगा, यह घटना आपको करोड़पति बना देगा। जी हां, ऐसा भयानक घटना होगा। आपको बता दें, आप अपना जीवन बहुत गरीबी में जी लिए, अब और नहीं, अब आपको राजा जैसा जीवन जीना है, इसलिए सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो। अब आपको राजा बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। अब आप राजा बनोगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन आपको अपने दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपका दुश्मन का नजर हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। आपका दुश्मन कभी नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे बढ़े, इसलिए दुश्मन हमेशा आपके पीछे पड़ा रहता है, दुश्मन हमेशा आपका पीछा करता रहता है। इसलिए आपको अपने दुश्मन से बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। आपका इस नाम का दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए इस नाम का दुश्मन से आपको 100% सावधान रहना होगा। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन का नाम बता रहा हूं, इस व्यक्ति से आज ही दूरी बना लेना। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका जो सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनका नाम आर अक्षर से शुरू होता है तो उनसे दूरी बना ले। इस नाम का व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है, इस नाम का व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है, इस नाम का व्यक्ति हमेशा पीठ पीछे हमला करता है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं, अगर अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं तो आप अपने जेब में एक चांदी का सिक्का और 5 चावल के दाने हमेशा रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपका किस्मत में 4 चांद लग जाएगा, आपकी किस्मत 6ठे स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच जाएगा। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होने वाला है, अब सोने पर सुहाग होने वाला है, क्योंकि आपकी किस्मत की लकीरें अब बदलने वाला है। यह एक देवी हमेशा आपके आसपास रहती है, इस देवी की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है। आपको बता दें, यह देवी आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस देवी की कृपा से आपका दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको इस देवी की कृपा से सुख की प्राप्ति होने वाला है। आपको बता दें, इस देवी के पास इतना ज्यादा शक्ति है कि आपको एक झटके में करोड़पति बना देगा, इस बात की गारंटी है। इसीलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना। अब आपको जीवन की सारी खुशियां मिलने वाला है, आपका हर एक मनोकामना पूरा होने वाला है, इस देवी की कृपा से आपका हर एक इच्छा पूरा होगा।
आपको बता दें, अगर इस देवी के बारे में आप अच्छे से जान लेते हैं तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। आपको बता दें, इस देवी के बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इस देवी के बारे में आज जो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक जरूर कर दें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी व्यक्ति की पूजा करते हैं उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आपका हर एक मनोकामना पूरा होगा। अब हर हालत में आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि आज इस ज्योतिष कार्यक्रम में जो जानकारी आपको देने वाले हैं बहुत शक्तिशाली है। आज तक जिस भी व्यक्ति को यह जानकारी मिला है उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया है, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक देखना, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगा। आप जिसके लिए सालों से इंतजार कर रहे थे वह चीज अब आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। अब आपकी जीवन का पासा पलटने वाला है, क्योंकि दोस्त आपका कुंडली में एक भयंकर योग का निर्माण हो चुका है और दो बड़ा बदलाव होने वाला है। यह दो बड़ा बदलाव आपका जीवन में बहुत बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। यह तो बड़ा बदलाव आपको किस्मत में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाला है। सच्चाई सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। जी हां, ऐसा भयानक बदलाव आपके जीवन में होने वाला है, और यह सब चमत्कार सिर्फ और सिर्फ इसी एक देवी की वजह से होने जा रहा है। आखिर यह देवी कौन है? क्यों यह देवी आपके ऊपर मेहरबान है? क्यों इस देवी की नजर हमेशा आपके ऊपर रहता है? यह देवी आपसे क्या चाहती है? इनके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाले हैं, वह भी आपका जन्म का राशि चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, जो कि 100% सटीक है। पानी पीने से पहले उसमें मिला लो, यह एक छोटी सी चीज, फिर देखना चमत्कार, आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बन जाओगे। करोड़ों की संपत्ति आपके हाथ लगेगा। जी हां, आपका किस्मत इतना चमकदार हो जाएगा। जानरी के लिए आपको बता दें, पिछले समय अवधि से आप बहुत कष्ट झेल रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बस आपको पानी पीने से पहले पानी में यह एक चीज मिला देना है, आपकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, आपकी गरीबी जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, वह सारी चीज आपको मिल जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वह सारी चीज आपको एक झटके में मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। आपको बता दें, अब गांव मोहल्ले में दिन रात आपका ही चर्चा होगा। बस आपको पानी पीने से पहले पानी में यह एक छोटी सी चीज मिला देना है। यह छोटी सी चीज आपके घर में ही मौजूद है, इस छोटी सी चीज के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आखिर वह छोटी सी चीज क्या है जिसे पानी में मिलाकर पीने से आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका किस्मत सूरज की तरह चमकने लगेगा? इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं, इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखना। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना हुआ है। धन की देवी माता लक्ष्मी की महिमा अपरंपार है, इसीलिए धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से इस समय आपको वह बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको हर वह चीज मिलाने वाला है जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। आपकी जीवन की सारी समस्याएं धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से पूरा होने वाला है। साथ ही पानी पीने से पहले पानी में एक छुटकी नमक मिलाकर पी लेना, आपका किस्मत में 4 चांद लग जाएगा, आपके लिए किस्मत का द्वार खुल जाएगा और आपकी किस्मत घोड़े की रफ्तार से भी तेज दौड़ेगी। इस बात की गारंटी है, आज का ज्योतिष कार्यक्रम बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो आपका घर में आग लग रही है, जो आपका घर बर्बाद कर रही है। आपको बता दें, आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रहा है,
जो भी दुख तकलीफ आपको हो रहा है उसका मुख्य कारण यह एक महिला है। इसी महिला के कारण आपके जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियां देखने को मिल रहा है। आपकी गरीबी की कारण भी यह एक महिला है। इसी महिला के कारण आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको गरीब रखने में इस महिला का भरपूर योगदान है। यह महिला कभी नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़े, इसलिए आपको इस महिला से सावधान रहना होगा और आपको एक उपाय करना होगा, नहीं तो जीवन में आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जीवन में आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए इस महिला से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इस महिला के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। इस महिला का क्या नाम है, यह महिला कहां रहती है, इस महिला से आपका क्या संबंध है, इन सभी के बारे में ए टू जेड जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको एक महत्वपूर्ण उपाय इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाले हैं। इस उपाय को करके आप अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपना शत्रु से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखना, ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। ऐसा वीड बार बार नहीं बनता है। ऐसे में आज जो इस वीड शुरू लेकर अंत तक नहीं देखेगा वह जीवन भर पछताएगा। वह व्यक्ति जीवन भर खून का आंसू रोएगा। अब दुश्मन के घर में बहुत बड़ा भयानक हादसा होने वाला है, क्योंकि पाप का लौटा भर चुका है और आपका दुश्मन ने जो पाप किया है उसका सजा अब आपका दुश्मन को मिलने वाला है। चारों तरफ अब राम नाम सत्य है सुनाई देगा। जी हां, दुश्मन के घर में ऐसा भयानक घटना घटित होने वाला है। अब दुश्मन का ऊपर का टिकट काटने वाला है। अब चारों तरफ दुखों की शहनाई बजाने वाला है। दुश्मन के घर के पूरा परिवार एक साथ रोएगा, इस बात की गारंटी है। दुश्मन ने जितना ज्यादा पाप किया है उसका सजा 24 घंटे के अंदर दुश्मन को मिलने वाला है। ज्योतिष कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किए हैं तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत करते हैं और आपका कुंडली का अच्छे से जांच पड़ताल करके आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है। आपसे एक भी रुपए चार्ज नहीं किया जाता है, तो इसके बदले कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, तो कृपया कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आखिर वह महिला कौन है जो आपका जीवन बर्बाद कर रही है, जो आपके घर में आग लगाने की काम कर रही है, आखिर यह महिला क्यों आपके पीछे पड़ी है, आइए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। यह महिला पिछले 5 सालों से आपके जान के पीछे पड़ी है और कई बार इस महिला ने आपके ऊपर जादू टोना भी किया है, परंतु इस देवी ने आपको हर बार बचा लिया है। यह एक देवी आपकी जान की रक्षा पिछले कई सालों से कर रही है। पिछले कई सालों से यह देवी शक्ति आपका प्राण का रक्षा कर रही है, इसलिए इस महिला ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। आपको बता दें अब इस महिला का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि यह देवी क्रोधित हो गई है, इसलिए इस महिला को अब दुनिया का कोई भी ताकत बचा नहीं सकता है। इस महिला को अब इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। आपको बता दें इस महिला की जिंदगी अब समाप्त होकर रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से इस महिला ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, आपको बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया है, इसलिए इस महिला को अब इस देवी मां से कोई नहीं बचा सकता है। इस महिला की नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। आपको इस महिला की नाम सुनकर विश्वास नहीं होगा कि यही महिला है जो आपको इतने इतने दिनों से परेशान कर रही थी, जो आपको इतने दिनों से बर्बाद कर रही थी। इस महिला का नाम टी अक्षर से शुरू होता है। जी हां, यही वह महिला है जो आपके घर में आग लग रही थी और आपका जिंदगी बर्बाद कर रही थी। लेकिन अब आपको इस महिला से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देवी मां भद्रकाली की कृपा से अब आपको इस महिला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और इस महिला की जिंदगी समाप्त हो जाएगी, इस बात की गारंटी है। इसके अलावा आज कोई अच्छी खबर दस्तक देने वाली है।
अपनी मेहनत और योग्यता द्वारा किसी विशेष कार्य में आप उचित सफलता हासिल करेंगे, जिससे आप और आपका परिवार बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। साथ ही सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। बड़ा निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। भविष्य में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर परिवार में किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। गुस्से या आवेश की वजह धैर्य व शांति से समस्या का समाधान निकालें, नहीं तो आप बेवजह की परेशानी में फंस सकते हैं। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से भी व्यक्तिगत दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रहेगी। रुकी हुई योजनाओं पर काम करने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। कर्मचारियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखें, नहीं तो वह काम चोरी कर सकते हैं। किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह से आपकी कोई परेशानियों का हल मिलेगा। कानूनी मामले में आज आपको नहीं पढ़ना चाहिए। पति पत्नी के आपसी तालमेल से पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी के साथ पारिवारिक मेल मिलाप खुशी प्रदान करेंगे। इसके अलावा घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन बना रहेगा। आज सुबह सुबह ही कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेंगे और इस वजह से कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना भी आपके लिए आसानी होगी। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाला है। भावनाओं में बहकर आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी अपरिचित के साथ शेयर न करें, अन्यथा आपका कोई नजदीकी संबंधी ही आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। कुछ समय घर परिवार के लिए भी निकालना जरूरी है, नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार पड़ सकती है। व्यवसाय गतिविधियां अभी सामान्य रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए बिजनेस में विस्तार संबंधी नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। नौकरी पैसा जातकों के लिए इस समय धैर्य और संयम रखने के लिए रहेगा। पब्लिक प्लेस पर दिक्कतें आ सकती है, साथ ही वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनाए रखें। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। घर में किसी बच्चे की किलकारी संबंधित शुभ सूचना सुनने को मिल सकता है जिससे घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। इसके अलावा आज किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आपको उचित सलाह मिलेगी तथा आप बेहतरीन तरीके से अपना कार्य को अंजाम देने में सफल रहेंगे। और अगर कोई सरकारी काम बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आज वह काम पूरा हो सकता है। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप का नकारात्मक असर घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। बच्चों को अपनी पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो बच्चों को परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। पर मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी आएगी, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। काम की गुणवत्ता बेहतर बनाने की जरूरत है। स्टाफ पर अपना नेतृत्व बनाए रखें, इससे कार्य प्रणाली में सुधार आएगा तथा कंप्यूटर तथा मीडिया से जुड़ा व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में बस अथवा अधिकारी के साथ संबंध न बिगाड़े, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी के बीच सुखद सामंजस्य रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से मधुर यादें ताजा होगी, जिससे आपको मिलकर बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए बेहतर रिश्ता आ सकता है और विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगा सकता है, जिससे घर के लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आएंगे। इसके अलावा आज आप डिसिप्लिन तरीके से कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने में सक्षम रहेंगे और आपकी किसी उपलब्धि से समाज तथा निकट संबंधियों के बीच मान सम्मान बढ़ेगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी। राजनीतिक संबंध आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको कोई अथॉरिटी भी मिल सकती है। इसके अलावा घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें। इस समय किसी भी तरह की उधारी न करें, नहीं तो उसे उतार पाना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। पुरानी बीती हुई बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें, नहीं तो इसके वजह से किसी मित्र से संबंध आपका खराब हो सकता है। समय अनुसार अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली को बदलने की जरूरत है। संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। विदेश से जुड़े कारोबार में मनचाहा फायदा मिलेगा। नौकरी पैसा लोगों को टारगेट पर पूरा फोकस करना होगा, जिसमें आपको काफी ज्यादा उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन आप अपने अधिकारी से मदद लेकर सभी उलझनों से निकलने में कामयाब रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग बना रहेगा। साथी की कुछ रुके हुए कार्यों को भी पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है, जिससे आप दोनों के बीच दूरियां बन सकती हैं। इसके अलावा पारिवारिक अथवा कारोबार कोई भी फैसला लेने के लिए उत्तम समय है। सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से करने में कामयाब रहेंगे। सामाजिक तथा परिवार में आपके किसी विशेष कार्य की सराहना होगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी मिलेगा। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप सभी के जीवन में भोलेनाथ और शनिदेव का आशीर्वाद बरसेगा। बादशाह भोलेनाथ और शनिदेव के मंदिर में एक लोटा गंगा जल जरूर चढ़ाएं।